गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रो टीचिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। हम लेसन को डिफरेंट टाइप से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग। हम कहानियों के माध्यम से भी लेसन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 5 to 6 मिनट या और उससे ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो 7 मिनट्स। इससे ज्यादा हम अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट को कभी भी नहीं रखेंगे। तो हमारा जो कहानी होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए कि हम 4 से 5 या 5 से 7 मिनट के अंदर खत्म कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। क्या आप लोग रेडी हैं कहानी सुनने के लिए? यस मैम। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक खरगोश और एक राजा, दैट इज लायन। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जो जानवर हैं। तो चलिए कहानी को धीरे धीरे हम लोग शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजा रहता था और वहां बहुत सारे जानवर रहते थे। जो राजा था वो क्या करता था, सभी जानवरों को मार के खा जाता था। शेर जो है वो अपनी भूख को पूरा करने के लिए जानवरों को खाता था। तो जानवरों के खाने के दौरान वो क्या करता था, वो जरूरत से ज्यादा जानवरों को मारता था। उसे भूख अगर 2 जानवर की रहती थी तो वो 4 से 5 जानवरों को मार देता था। तो इससे क्या होता था कि जो जानवर हैं वो हमेशा डर के माहौल में जंगल में रहते थे। तो जानवरों ने एक मीटिंग की, उन्होंने कहा शेर हमें मार के तो खाएगा ही, हम कुछ भी करें। लेकिन क्या होता है कि शेर जो है वो अपनी भूख से ज्यादा जानवरों को मार देता है। इससे क्या होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम राजा के पास एक ऐसा प्रस्ताव रखें जिसमें हम राजा से आग्रह करें कि आप जानवरों को मत मारिए और हम अपनी सुविधा के अनुसार आपके पास रोज आएंगे और आप हमें खा लीजिएगा। तो इस तरह का प्रस्ताव जंगल के सारे जानवर राजा के पास लेकर गए और राजा इस चीज से एग्री भी हो गया। तो हर दिन ऐसा ही होता था, एक हर दिन कोई ना कोई जानवर राजा के पास जाता था और राजा उस जानवर को खा के अपनी भूख की पूर्ति करता था। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, एक खरगोश की बारी आई। ठीक है, तो खरगोश ने एक उपाय लगाया कि अगर मैं शेर के पास जाऊंगा तो वो मुझे मारकर खा जाएगा, तो क्यों ना एक ऐसा तरकीब निकाला जाए जिससे शेर मुझे खाए भी नहीं और शेर हमेशा के लिए मर जाए। तो वो क्या किया, रास्ते में जाते जाते तरकीब सोचने लगा। फिर क्या हुआ, जब शेर के पास उसे जाना था जिस टाइम पे, उसने क्या किया, वो टाइम के लिमिटेशन को क्रॉस करके काफी देर शेर के पास पहुंचा। जब खरगोश शेर के पास काफी देर से पहुंचा तो शेर भूख से तिलमिला उठा था और उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और वो खरगोश पे काफी गुस्सा होने लगा। जब उसने देखा कि खरगोश बहुत छोटा है तो उसने खरगोश को कहा, एक तो तुम इतने लेट आए हो, ऊपर से तुम इतने छोटे हो कि मैं तुम्हें खाऊंगा तो मेरी भूख खत्म भी नहीं होगी। तो खरगोश ने कहा, महाराज मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमारे जंगल के लोगों ने एक खरगोश नहीं भेजा था, उन्होंने 5 खरगोश भेजे थे। तो राजा ने पूछा, जब 5 खरगोश भेजे थे तो बाकी खरगोश कहाँ चले गए, तुम सिर्फ अकेले आए हो? तो खरगोश ने बताया, महाराज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में एक और शेर मिला, तो उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो शेर क्या किया, उसने मेरे सारे मित्रों को खा लिया। तो
मैं किसी भी तरह से बच बचा के आपके पास आया हूँ। महाराज अब मैं क्या करूं, जंगल में एक और शेर आ चुका है और वो कह रहा है कि मैं आपको मार डालूंगा और खुद राजा बन जाऊंगा। जब ये बात शेर सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो खरगोश को कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कहाँ पे एक और शेर है और मैं उसे मार डालूंगा और मैं जंगल का शेर राजा तो हूं और मैं राजा ही बना रहूंगा। तो खरगोश शेर को अपने साथ ले जाता है और जब शेर वहां पहुंचता है तो शेर कहता है यहाँ पे तो कोई भी और शेर नहीं है। तो खरगोश बोलता है कि महाराज हो सकता है कि आपके डर से वो शेर कहीं छुप गया हो। तो वहीं पे एक कुआं रहता है तो खरगोश कहता है हो सकता है महाराज वो यहाँ पे छुप गया हो। जब शेर ऊपर से कुएं में देखता है तो उसे अपना प्रतिबिंब देखता है। तो यहाँ शेर को ये चीज कंफर्म हो जाता है कि एक और शेर है। जब शेर जोर से दहाड़ता है तो उसके दहाड़ने की आवाज उसे पुनः सुनाई देती है। तो वहां पे शेर जो होता है वो ये और ज्यादा पक्का हो जाता है कि सचमुच यहाँ पे कोई शेर है। जब मैं दहाड़ रहा हूं तो वो भी शेर मुझे डराने के लिए दहाड़ रहा है। तो खरगोश कहता है कि महाराज यही वो शेर है जिसने मुझे रास्ते में रोक लिया था। तो शेर जो होता है ना आओ देखता है ना अताओ देखता है और कुआं में कूद जाता है और शेर की मृत्यु हो जाती है और खरगोश का जो प्लान होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। बताइए बच्चों क्या आपको ये स्टोरी सुनकर मजा आया? यस मैम। अब आप यहाँ पे कहेंगे क्या आप गेस कर सकते हैं कि शेर का जो प्रतिबिंब है वो कुएं में क्यों दिख रहा था? तो वहां पे आपके स्टूडेंट के वैरायटीज ऑफ आंसर आएंगे, कुछ आंसर रॉन्ग आएंगे कुछ आंसर करेक्ट आएंगे। तो वहां पे आप बच्चों को किसी भी चीज के लिए डांटेंगे नहीं कि ये आंसर आपका रॉन्ग है और ये आंसर सही है। रॉन्ग आंसर हो या सही आंसर हो आप सबको एक अप्रिशिएट करेंगे, दैट इज वेरी गुड, आप लोगों ने इसका आंसर वैरायटीज ऑफ वे में सोच पाए। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि शेर का जो प्रतिबिंब कुएं में बन रहा था वो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण बन रहा था। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट पढ़ेंगे।